चित्रकूट मार्क्सवादी पार्टी के जिला सचिव एवं किसान नेता रुद्र प्रसाद मिश्रा एडवोकेट ने एबीपी भारत न्यूज चैनल नेशनल के हेड स्वामी कमल दास जी बापू को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि चित्रकूट जिला अधिकारी श्री शुभ्रांत शुक्ला जी से चित्रकूट जिले के सभी किसान नाराज हो गए हैं। किसानों के नाराजगी का कारण है किसानों का गल्ला न खरीदा जाना और जिन किसानों का गल्ला खरीदा जा चुका है जिलाधिकारी चित्रकूट को बताए जाने के बाद भी उनका भुगतान न करवाए जाना। इसका उदाहरण मैं स्वयं ही हूँ। मैंने भी अपना गल्ला बेचा है। मुझे भी जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय ने मेरे गल्ले का पैसा अभी तक नहीं दिला पाए हैं। मेरे द्वारा उनको बताए जाने के बाद भी किसानों के नाराज होने का कारण अगर शीघ्र नहीं दूर किया गया तो इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। माफा कर रही क्या ये थोड़ी क्या उसका समर्थन नहीं कर रहे लेकिन उस तारीख की क्या तैयारी है आपकी। 26 तारीख को हमारे देश में 26 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। हम इमरजेंसी लागू की मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ 26 जून को हम क्यों आंदोलन कर रहे हैं इसलिए कि 26 जून को पहली बार हमारे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। उसके बाद हम जान रहे हैं कि उससे भी बड़ी इमरजेंसी इस समय लागू है। तो हम वर्तमान सरकारों के द्वारा लागू की गई अघोषित इमरजेंसी को बताते हुए हम उस इमरजेंसी को याद करते हैं और इसीलिए उस इमरजेंसी के दिन हम इस सरकार की जो अघोषित इमरजेंसी है उसको हम जन तक समझ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी में, कैसे कार्यकाल चल रहा है, उनका कार्यकाल से संतुष्ट हैं? आए दिन पत्रकारों की हत्या, सबकी हत्या है, जो बोलता है, तो कैसा कार्यकाल चल रहा है? देखिए ना, ये सरकार के 4-4.5 साल पूरे कर लिए, 6 साल चुनाव का रहा है और अब उनका कार्यकाल अच्छा था या खराब था इसका रिजल्ट आने वाले 6 महीने बाद चुनाव में आएगा। हम अगर कहें आप संतुष्ट हैं उनके कार्य से? हम तो हमारी न पार्टी संतुष्ट है न हमारे उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है। लेकिन महंगाई बढ़ी हुई है, सरसों का तेल सब कुछ है, उसी महंगाई को लेकर के तो हमारा आंदोलन किसान सभा का चल रहा है। तो पहले पार्टियां करती थी तो ये चोरी ठोकते थे, गैस सिलेंडर खड़े हो जाते थे, एजेंट पेट्रोल किसान मर रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अब हम ये कहेंगे कि जो इस समय सरकार है ये दो तरह की दो मुँह सांप की तरह, जैसे एक सांप होता है उसके दो मुँह होते हैं उसी तरह इस सरकार के दो मुँह हैं। एक कुछ कहता है, एक को कहता है। इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके विपरीत ही काम किया है। उन्होंने कहा था किसानों के लिए हम आयोग की किसान आयोग की सब सूचियों को लागू करेंगे। 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, वो तो बेरोजगारी बढ़ी है। ये खुद पता चल रहा है कि जब बेरोजगारी बढ़ी है तो नौकरियां कहाँ मिली है। तो नौकरियों को इन्होंने परिभाषित दूसरी तरह किया कि तेल में मोहरा बेचो, मोहरा बनाओ, तो उन्होंने उसको पकौड़ा तलो, तो उन्होंने नौकरियों को इस तरीके से परिभाषित किया है। इसलिए तो महंगाई के उसमें आपने आंदोलन फिर करोगे? हम तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जाने क्या उनको बताना है और वो खुद समझ रहे हैं। देश की गरीब जनता, उसको तेल की जरूरत है, उसको टमाटर की जरूरत है, उसको आटे की जरूरत है, तो महंगाई तो बढ़ी रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से खुश हैं आप? हम तो ये चाहते हैं, अभी तो उसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं, तो अन्य प्रांत वहाँ की जनता बताएंगे, केंद्र में आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन मैं ये संदेश तो देना चाहूँगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी वहाँ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इस तरीके से अन्य राज्यों में भी जहाँ जहाँ अन्य दलों की सरकारें हैं वहाँ कड़ाई से, लेकिन उनको डराया जाता है। ममता जी डरी नहीं ना, बाकी डर जाते हैं ईडी से, इनकम टैक्स से, सब चीज़ों से। आप देखते रहे चौथाई तुम पत्रकारों के क्या हाल हो रहा है, अभी एक हत्या हो गई कहाँ प्रतापगढ़ में, कहीं अभी तक तो मुझे नहीं पकड़े गए, बताओ। तो हर जिले का यही पत्रकार एबीपी न्यूज का पत्रकार था, उसको मारा गया। एक दिन पहले उसने खुद कहा मुझे जान का खतरा है, कोई सुरक्षा नहीं मिली। आप वहाँ की छोड़िए, मैं अपने कर्मी की ही बात करना चाहता हूँ। अभी 10-4 दिन पहले लोगों ने
एक किसान को मारा, वो हमारे पार्टी का लीडर था, उसको मारा, उसको सब पे चोटा मार भी सकता था, और उसकी एफ आई आर नहीं की, तो वो तो मंडप की बात है।